नीदरलैंड के द हेग की अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे में भारतीय वकील हरीश साल्वे ने पाकिस्तान की जेल में कैद कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगाने के मामले में वो कामयाब रहे हैं। इस मामले में एक खास बात ये रही कि केस लड़ने के लिए जहां पाकिस्तान ने अपने वकील पर 20 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे खर्च कर दिए, वहीं साल्वे ने केस लड़ने के लिए फीस के तौर पर महज 1 रुपये लिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कुलभूषण जाधव मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले की सराहना करते हुए एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम कमांडर कुलभूषण जाधव को बरी और रिहा नहीं करने और भारत वापस नहीं भेजने के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले की सराहना करते हैं। वो पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ किए गए अपराध के लिए दोषी है। पाकिस्तान मामले में कानून के मुताबिक आगे बढ़ेगा। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद राहुल गांधी इस्तीफा दे चुके हैं और उन्होंने पार्टी के लिए जल्द से जल्द कोई अध्यक्ष ढूंढने को कहा है। वहीं पार्टी इस मुद्दे का समाधान निकाल पा रही है। पार्टी नेता ने बताया कि जब तक गांधी परिवार का कोई सदस्य अध्यक्ष पद को नहीं संभालता है, तब तक किसी वरिष्ठ के हाथ में कांग्रेस की कमान दिए जाने का सुझाव था, लेकिन कई परेशानियों के कारण ये पूरा नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के 15 बागी विधायकों के इस्तीफे पर निर्णय लेने को लेकर कर्नाटक विधानसभा स्पीकर के अधिकारी पर बंदिश लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि विधायकों को प्रस्तावित विश्वास मत प्रस्ताव में शामिल होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। चेक गणराज्य में हुए टाबोर एथलेटिक्स टूर्नामेंट में 200 मीटर की दौड़ में भारत की स्प्रिंटर हीमा दास ने स्वर्ण जीता है। यहां हीमा ने महज 23.25 सेकंड में ही इस दौड़ को पूरा कर लिया। साथ ही आपको बता दें कि मात्र 15 दिनों के अंदर हीमा ने चौथा स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। सपा सांसद आजम खान और पूर्व सीओ आलेहसन के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने का सिलसिला जारी है, जिसके तहत पुलिस ने दोनों के खिलाफ 8 और मुकदमे दर्ज किए हैं। बता दें कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान आजम खान ने जमीन का बैनामा कराने के लिए ग्रामीणों पर दबाव बनाया था। लखनऊ के राजभवन में राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वामी विवेकानंद की भव्य कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर कई दिग्गज मौजूद रहे। राम नाईक ने प्रतिमा के अनावरण के बाद कहा कि मेरा मानना है कि देश के किसी भी राजभवन में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति नहीं है। उत्तर प्रदेश पहला प्रदेश है जहाँ राजभवन में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा लगाई गई है। अयोध्या जमीन विवाद में मध्यस्थता को लेकर प्रगति रिपोर्ट अब से कुछ देर में सुप्रीम कोर्ट में पेश होगी। इस रिपोर्ट को देखने के बाद कोर्ट तय करेगा 25 जुलाई से मामले की सुनवाई होगी या नहीं। बता दें कि कुछ दिन पहले राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद मामले के एक पक्षकार गोपाल सिंह विशारद ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की थी, जिसे 5 जजों की संविधान पीठ देखेगी। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर क्षेत्र के जिला अस्पताल में ओपीडी पर्ची काटने वाले अपने मनमर्जी पर उतर आए हैं। मरीजों को उपचार कराने के लिए ओपीडी पर्ची तक नहीं मिल पा रही है। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक कई मरीज लाइन में खड़े रहे, लेकिन ओटीपी के संचालक ऑपरेटर वहां से गायब थे।